सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ के निकटवर्ती जिला इतलाई क्षेत्र में स्थित ओंकारगिरी आश्रम व हनुमान मंदिर में बाबा गणेशनाथ महाराज द्वारा 41 दिवसीय पंचधुनी तपस्या की जा रही है। एक तरफ जहां मई माह में 50 डिग्री तक तापमान चुरू जिले में देखने को मिला, वहीं दोपहर के 11 बजे से लेकर 2 बजे तक लगातार 3 घंटे पंचधुनी के बीच बैठकर गणेशनाथ महाराज द्वारा लगातार तपस्या की जाती है। माँ कामाख्या व गोरखनाथ महाराज के जाप किए जाते हैं। वहीं 10 जून को इस तपस्या की पूर्णाहुति होगी। आपको बता दें, 1 मई से यह तपस्या शुरू हुई थी। गणेशनाथ महाराज ने बताया कि उनकी यह 7वीं तपस्या है। इससे पहले वो 6 बार पंचधुनी तपस्या कर चुके हैं। वहीं 4 दिनों तक यहां पर प्रदेश के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मास्टर भवनलाल मेघवाल के स्वास्थ्य हेतु भी जाप किए गए हैं। तो बने रहिए ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। यह पंचधुनी श्री गोरखनाथ जी महाराज की है। जग कल्याण के लिए माँ कामाख्या की साधना हमारे झाड़े के लिए, हमारी बस्ती नगर के लिए, संसार जग कल्याण के लिए, दुख संकट कुछ नहीं है, इसलिए हम ये तपस्या करते हैं। इसको यट योग बोलते हैं। ये गोरखनाथ जी महाराज की पंचधुनी तपस्या है। इससे तपने से साधु के अस्थि बस्ती नगर में अलाय बलाय नहीं हो सकती और कोई प्रकार की घटना नहीं हो सकती, इसलिए साधु यह तपस्या तपते हैं। बस ये मेरी 1 मई से लेके 9-10 जून तक चलेगी। ये मेरी 7वीं तपस्या है। मेरे गुरुजी के पुण्य प्रताप से बाबा जी मूलनाथ जी महाराज का मैं शिष्य बाबा गणेशनाथ जी महाराज जलाई तलाई में यह तपस्या तप रहा हूँ। मंत्री जी के स्वास्थ्य के लिए हमारे ये 5 दिन की विशेष तौर की माला जो बचे हैं, ये हमारे मंत्री जी के लिए हो रही है और सारे हमारे देश के वासी, हमारी नगरी, ये सारी माएँ वाएँ मंत्री जी के सुख शांति के लिए इकट्ठी हुई है और माला फेरी है। इसे हम चाहते हैं कि हमारी तपस्या की पूर्णावती से पहले पहले मंत्री जी हमारे पास पधारे और हम सबको दर्शन दे, हम देख के खूब राजी हैं।